सो हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ. हम मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इन छह फिजिकल फीचर्स के डिविजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि दीज आर द सिक्स फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. ये छह डिविजन्स इंडिया में बनी हुई हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और ये सिक्स डिविजन्स के बेस पर हमसे क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं. राइट, आपको याद होगा ये सब कुछ हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, अब देखिए भाई इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज द आइलैंड्स ऑफ इंडिया. इस टॉपिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि इंडिया में आइलैंड्स कौन से बने हुए हैं. तो सब लोग देखेंगे, आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ आइलैंड्स. सब लोग, एवरीबॉडी विल लुक एट द पिक्चर ऑफ आइलैंड्स. ये है इंडिया का आइलैंड का स्ट्रक्चर. आज सिर्फ आइलैंड ही पढ़ पाएंगे बिकॉज थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, तो सिर्फ उसी के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे. आइलैंड्स जो कि वाटर जो है वहां पर है, और दो तरीके के इंडिया के आइलैंड्स हैं. कौन कौन से हैं इंडिया में आइलैंड्स? वन इज अंडमान एंड निकोबार, एंड अनदर वन इज लक्षद्वीप. ठीक है, सो हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले किसको स्टार्ट कर रहे हैं? सिर्फ अंडमान निकोबार. ठीक है, ओनली वी आर स्टार्टिंग विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. राइट डाउन एवरीवन, लोकेशन देख लीजिए भाई यहाँ पर सब लोग. दिस इज द लोकेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार. एज यू कैन सी, ये है अंडमान निकोबार. लोकेशन कहाँ पे है इसकी? अरेबियन सी. राइट, अरेबियन सी में आपको मिलेगा, नोट्स में लिख लीजिए अपने. ये है अंडमान निकोबार का फुल फ्लेज पिक्चर जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. अब ये समझेंगे कि जो हमारे आइलैंड्स हैं ये कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, हाँ जी, अरे बे ऑफ बंगाल में है, सॉरी यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी इस तरफ है. राइट डाउन बे ऑफ बंगाल. अब इसके डिविजन समझिए भाई. ठीक है, मैं लिख रही हूँ सामने स्क्रीन के ऊपर. चलिए यहाँ पे लिखो भाई, अंडमान निकोबार की हेडिंग बना लो और बनाना शुरू करेंगे सब लोग इसको. अंडमान निकोबार पूरा जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में. ऊपर की तरफ क्या है? अंडमान, और नीचे की तरफ क्या है? निकोबार. ठीक है, पहली चीज, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं. ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब ऊपर का पूरा रीजन अंडमान आएगा, नीचे का पूरा रीजन निकोबार है. एंड अंडमान और निकोबार कौन से चैनल से डिवाइडेड है? 10 degree. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंडमान एंड निकोबार आर बीइंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय दी व्हिच डिग्री चैनल, कौन से डिग्री से डिवाइडेड है? राइट डाउन, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10 degree चैनल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब ये जो पूरा अंडमान बना हुआ है ये किस तरीके से बना हुआ है? ठीक है, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स यहाँ पे बने हुए हैं ऐसे. ठीक है, अंडमान में. और ये कैसे बने हुए हैं? इस तरीके से लिख लो. सबसे ऊपर क्या बना हुआ है? नॉर्थ अंडमान. मिडिल अंडमान. साउथ अंडमान. एंड लिटिल अंडमान. दीज आर दी फोर डिविजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिविजन्स. फोर डिविजन्स हैं ये वाली. कौन कौन सी है लिख लीजिए. फोर हैं ये डिविजन्स. राइट, ये फोर डिविजन से बना है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल. ठीक है, और फिर है निकोबार. इस तरीके से कुछ बना हुआ है. पहला है कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड लास्ट है ग्रेट निकोबार. ठीक है भाई, इस तरीके से चार डिविजन्स है, ऊपर चार और नीचे तीन, टोटल 7 divisions हैं. और इन 7 divisions में इस तरीके से डिवाइडेड है.
10 डिग्री चैनल है बीच में, ये भी याद रखिएगा, और ऐसे डिवाइडेड है, और लास्ट में यहाँ पे बना हुआ है ग्रेट चैनल, और इसके बाद नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, नीचे स्टार्ट हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है भाई, और नॉर्थ अंडमान के सबसे ऊपर क्या बना हुआ है, कोको चैनल, क्या बना हुआ है, कोको चैनल। कौन सी स्क्रीन विजिबल नहीं है तुम लोगों को, यहाँ तो पूरी दिख रही है स्क्रीन मेरे को तो सामने। यस एवरीवन, एवरी लाइक पूरा स्क्रीन विजिबल है ना सब लोगों को यहाँ पर। हाँ भाई, आई थिंक सबको विजिबल होनी तो चाहिए पूरी। हाँ ठीक है, लिख लो भाई यहाँ तक। ये है आपका अंडमान का डिवीजन, एवरीबॉडी नोट दिस डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, बिकॉज ये पूरा दोबारा से अपलोड, ये दोबारा स्क्रीन दोबारा वापस नहीं आएगी, सो एवरीवन ट्राई टू राइट इट, लिख लो इसको पूरा, क्योंकि स्क्रीन आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसको बना लो अपने नोट्स में, आई वुड से कि प्लीज एवरीवन इसको बना लीजिए। हो गया भाई सबका यहाँ तक, ये स्क्रीन हटा दूंगा यहाँ से, एवरीबॉडी डन। कोको स्पेल, कोको की स्पेलिंग होती है भाई COCO, ठीक है, कोको चैनल, कोको चैनल। ठीक है, ये कोको आइलैंड्स बेसिकली म्यांमार में बने हुए हैं, ये आइलैंड्स म्यांमार अपने इंडिया की है भी नहीं, तो इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो म्यांमार के पास है, बाकी सारा हिस्सा नीचे का इंडिया के पास। ओके ग्रेटर चैनल कम अंडर एनी डिग्री, नो मलिक कोई डिग्री नहीं है उसकी, ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल बना हुआ, डिग्री नहीं है उसके लिए। I hope everybody has noted. I am like screen अभी मैं हटा रही हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ dispute है, बिल्कुल है dispute है presently यहाँ पर, great जो channel है यहाँ पे dispute है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पूरा physiography जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। हटा दूँ भाई मैं ये screen सबको, हो गया यहाँ तक, जो इसका भी रहता है please take a screenshot, जिन्होंने भी late join किया है please take a screenshot fast so that you can understand क्या हुआ है इसमें। अंडमान निकोबार स्टार्ट किया हुआ है हमने, जो हमारा टॉपिक है वसीम, वो आज का अंडमान निकोबार है। चलिए ये आपने यहाँ तक पढ़ा, आप लोगों ने मैप में देखा, अब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका नॉर्थ अंडमान, मिडल, साउथ, लिटल, 10 डिग्री, कार निकोबार, लिटल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और इसके नीचे आपका क्या आता है, ग्रेट चैनल, और इसके ऊपर सबसे ऊपर आता है कोको चैनल। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है भाई, आई होप एवरीबॉडी हैज डन विद दिस। अब एक पॉइंट और दिखेंगे, जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है वो है डंकन पैसेज। लिख लीजिए, साउथ और लिटिल के बीच में डिवीजन है, दैट इज डंकन पैसेज। ठीक है, साउथ और लिटिल लिख लीजिए। पोर्ट ब्लेयर किस में आता है, मैप में देखो ये रहा, पोर्ट ब्लेयर किस में आ रहा है, साउथ अंडमान। लिख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर किस में आ रहा है, साउथ अंडमान। ठीक है, ये लिख लीजिएगा जो इसकी कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, जो इसकी कैपिटल है दैट कम्स अंडर साउथ अंडमान। ठीक है, नोट हो गया होगा सबका यहां तक, इंपॉर्टेंट है।
रिपीट क्या करना है इसमें, लिखो पोर्ट ब्लेयर कमन्स अंडर विच इज द कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है जो कि साउथ अंडमान में आना है, ठीक है, ये लिखा पोर्ट ब्लेयर और किसमें आ रहा है साउथ अंडमान, ठीक है। और आपको याद होगा हमने पहले की क्लासेस में जो है इंदिरा पॉइंट के जो हमने पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट आप लोगों को याद होगा, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ लाई करता है, ग्रेट निकोबार, ये लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, याद है ना, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट इंडिया का, कहाँ लाई करता है वो, ग्रेट निकोबार में लाई करता है, ये भी लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इससे पहले की जो लाइन है मैं वो रिपीट कर देती हूँ, लिख लीजिए, ये लिखा डंकन पैसेज, ये देख लो ना सामने, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखा है डंकन पैसेज किसके बीच में लाई करता है, किसको डिवाइड करता है, डंकन पैसेज यहाँ पे डिवाइड करता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये रहा साउथ और ये रहा लिटिल, इसके बीच में आप देख रहे हो डंकन पैसेज है, सो इट इज डिवाइडिंग साउथ एंड लिटिल, किसको डिवाइड कर रहा है, डंकन पैसेज। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया भाई यहां तक। अब इसमें आगे बढ़ो और चीजों में, और क्या क्या पॉइंट्स पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ये आपको डिवीजन क्लियर हो गई पूरी, ठीक है। नॉर्थ अंडमान से पहले आपको मैंने बता दिया कोको आता है, और साउथ और लिटिल के बीच में डंकन आता है, और लिटिल और कार के बीच में 10 डिग्री चैनल था, ये भी आपने पढ़ लिया, और ग्रेट निकोबार के बीच के बाद ग्रेट चैनल आता है। आई थिंक ये वाली डिवीजन नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, वो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। यस नासिर, 10 डिग्री चैनल डिवाइडिंग अंडमान एंड निकोबार, ये वाली डिवीजन आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो सामने आपको स्क्रीन पर विजिबल है। This is the division जिसपे questions भी आते हैं, जो आपको clear अब तक हो जाना चाहिए, जो सामने लिखी हुई हो, ठीक है, या तो इस पे north to south पूछ लें, ठीक है, ये exam में आते हैं north to south division करने के लिए। Done? But it's a map, it's not figured like that. क्यों नहीं फिगर है, map, map से ही तो पढ़ रहे हैं यार, ये रहा north, ये रहा middle, ये रहा south, ये रहा duncan, ये रहा little, 10 degree, car निकोबार, little निकोबार, great निकोबार, क्या क्या नहीं है ऐसा map, बताओ भाई, बताओ भाई, आमिर 10 डिग्री आप देखो ना मैप में, लिटिल और कार के बीच में, ठीक है, लिटिल और कार के बीच में 10 डिग्री है, आपके सामने मैप है पूरा, और यही मैप के डिवीजन वहां पे लिखी है, सब कुछ मैप में जो है वही मैंने वहां पे बताया, क्या कुछ भी एक वर्ड भी अलग नहीं है। नासिर इज दिस क्लियर, शैल वी कंटिन्यू, हाँ भी बड़े आ गए यहां तक, क्लियर हो गया, ओके मूविंग ऑन, चलिए आगे देखेंगे इसके बाद। ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सेकंड पॉइंट आपको लिख लिया, थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया, फोर्थ पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जिसका पुराना नाम पिगमोलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पे लाई करता है। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दीज थिंग्स, ये सब आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पर कवरअप चीजें कर चुके हैं, ये वही पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना कि जो आप कर चुके हो उसी के लाइन में लिखा हुआ फैक्ट में इसको आप जस्ट आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने एक पीक का नाम है, दैट इज द सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। नॉर्थ अंडमान जो मैप में दिखाया था, नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे आपको एक पीक देखने को मिलेगी जिसका नाम है सैडल पीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक जो है आपको उसमें देखने को मिलेगी, इसको लिख लीजिए, सैडल पीक इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट जो है लिख लीजिए 732 मीटर्स, इसकी हाइट है, ठीक है, 732 मीटर्स में इसको फैले हुए हैं। इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची जो पीक है वो है सैडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं इससे क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि लोकेशन का, तो वो भी मैंने आपको बता दिया नॉर्थ, क्योंकि पता है एग्जाम में ना ऐसे नहीं पूछते, अब नहीं पूछते एग्जाम में, पहले पूछते थे कि कहाँ पे है, सीधा नाम दे देते थे, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब आपको ऑप्शन ही इतने कंफ्यूजिंग देंगे ना कि आपको समझ नहीं आएगा। जैसे आपको ऑप्शन में ना ऐसे देंगे, सैडल पीक कहाँ लोकेटेड है, आपको अंडमान निकोबार नहीं देंगे, आपको पूछेंगे नॉर्थ, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब एग्जामिनर भी बहुत चलाते हैं, उनको पता है कि इतना तो पढ़ के ही आते हैं स्टूडेंट की सैडल पीक कहाँ है या फिर छोटे मोटे चीजें 10 डिग्री क्या है, इतना तो सबको पढ़ के आता है। अब वो पूछते हैं और डिटेल के अंदर, समझ रहे हो ना बात। तो अब आपका ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और एग्जाम निकल जाएगा। अब आपको ये डिटेलिंग भी याद रखनी है कि नॉर्थ अंडमान में है, और अभी जो पहले पोर्ट ब्लेयर बताया वो साउथ अंडमान। ऑप्शन ही वो ऐसे कंफ्यूजिंग पूछेंगे कि आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा जाना पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई। उसके अलावा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स है, 572 करीब आइलैंड्स है। खैर आपसे ये फिगर कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको ये बता दूं, फिगर्स बहुत कम पूछी जाती है आपसे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स बताओ, इतना कोई डिटेल में नहीं पूछता। बाकी यस, ये वाला सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैरन आइलैंड, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का ओनली, ठीक है, देख रहे हो ओनली, ओनली वर्ड पे ध्यान देना, इकलौता है, ठीक है। तो ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे लाई करता है, मिडल अंडमान। मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ, ये रहा बैरन आइलैंड, देख रहे हो कहाँ पे लोकेटेड है, मिडल अंडमान के ईस्ट में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपसे ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं बोलेंगे, आपको वहां पे मिडल, साउथ, लिटिल ऐसे करके लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी आते हैं एग्जाम, ठीक है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इट इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान, दैट इज बैरन आइलैंड, राइट। लिख लो ये भी, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। राइट, एवरीवन नोटेड, यहाँ तक आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये चीज बना लिया होगा अपने नोट्स में, आगे लिखेंगे इसके बाद। इसके बाद क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आते हैं सेंटिनेल आइलैंड। पहले ना इसकी स्टोरी समझो, यहाँ पर इस पूरे आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटिनलीज आइलैंड, जहां पे कौन से लोग रहते हैं, सेंटिनलीज ट्राइबल पीपल रहते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने क्यों बताया है या स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन क्यों किया है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये वो ट्राइबल ग्रुप है या ये वो आइलैंड है जहां पे हमारा जाना अलाउड नहीं है। बीइंग इन इंडिया, भी इंडियन होने के बावजूद भी हम यहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज वेरी अनसेफ, क्योंकि जो यहाँ के लोग है ना, दे कंसिडर कि जो ये पूरा एरिया है, ये जो आप
एरिया ये वाला देख रहे हो, ये एरिया बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड पड़ता है, तो थोड़ा सा अनसेफ है। एक पर्सन यहाँ गए भी थे, उनका नाम था जॉन, अमेरिका के पर्सन थे जॉन, वो यहाँ पे गए भी थे, बट हुआ ये कि उनको ही मार दिया गया। सो इट्स क्वाइट अनसेफ टू गो देयर। सो अगर आप जाते भी हैं यहाँ पे, सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड यू आर रिस्किंग योर लाइफ, सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती है उसके ऊपर, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे लॉज बनते हैं वो भी इनकी नहीं है। वेयर दे गो, अंडमान निकोबार के पीपल, दे गो टू वेस्ट बंगाल और कोलकाता टू हैव देयर जस्टिस, ठीक है। वो अपना कोलकाता में जाती है टू ग्रांट देयर जस्टिस। ठीक है भाई, ये भी आपको फैक्ट्स अपने याद रखना है। राइट, आई थिंक एवरीवन हैज नोटेड दीज थिंग्स, ये एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखना चाहेंगे, ठीक है। व्हाई डोंट दे एनीबॉडी टू विजिट देयर, व्हाई डोंट दे अलाउ, कहना चाहते हो क्या? क्योंकि ये लोग बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। आप ये आप समझ लो कि ये लोग जो है न्यू टेक्नोलॉजी के लिए अडेप्टेड नहीं है, नई चीजों को फॉलो नहीं करते, बहुत पुरानी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और इन लोगों का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट है, या इनकी अपनी कोई लैंग्वेज भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं है, तो इसलिए जो है काफी ज्यादा अनसेफ है। थर्ड पॉइंट ही बता रही हूँ मैं, थर्ड पॉइंट रिपीट ही कर रही हूँ आसिफ, ठीक है भाई। ये इसमें आपने याद रखना है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बने हुए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई आगे, फटाफट इसमें आगे लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करंट अफेयर है, इसको लिख लो, इट इज अ करंट अफेयर, आ सकता है देर इज अ हाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, वेट करो वसीम, लिखवा रही हूँ लैंग्वेज में, लिखो भाई करंट अफेयर में। इसका स्टेट एनिमल जो है, इनका जो अंडमान निकोबार के लोग हैं, इनका जो यहाँ पे स्टेट एनिमल है दैट इज डगंग, ठीक है। काइंडली शो दी पिक्चर, नो आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा नासिर, यू आर नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये पिक्चर दिखा करके कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, कहाँ पे रहते हैं, कोई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। सो डोंट फोकस अपॉन इररेलीवेंट थिंग्स, फोकस अपॉन रेलिवेंट। ना हमारे पास बहुत सारी चीजें रेलिवेंट है पढ़ने के लिए, इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन गूगल ना, अगर आप ऐसी चीजें देखना चाहते हो कैन गूगल। नोट्स में तो कोई ऐसी चीजें ऐड करता नहीं है, तो मैंने भी ऐड नहीं करी। ओके सो डोंट फोकस अपॉन इररेलीवेंट, यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टडी, फोकस अपॉन दैट। लिखिए भाई स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल इज डगंग, स्पेलिंग लिख लीजिए सामने से, ठीक है, DUGONG। डगंग यहाँ का स्टेट एनिमल है जो कि एक सी काउ की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक डगंग सी एनिमल है, सी काउ जैसे आप मान के चलो काउ की तरह दिखता है, एंड सी में रहने वाली काउ की तरह। सो अभी क्या हुआ है एक्चुअली में, जो ये डगंग है इनको प्रिजर्व करने के लिए, ध्यान से समझना, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक डगंग कंजर्वेशन रिजर्व ओपन किया गया। राइट डाउन दिस फैक्ट, डगंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन ओपन्ड इन इंडिया, लेकिन वो अंडमान में नहीं है, कहाँ पे ओपन किया गया है? तमिलनाडु में। सो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भाई कहाँ पे ओपन किया गया है एंड ये कहाँ का स्टेट है? तो यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, लिख लीजिए इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व जो कि डगंग के लिए है, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए तमिलनाडु के कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ लिख लीजिएगा ओपन किया गया, बट ये स्टेट एनिमल अंडमान का है क्योंकि अंडमान में भी मिलते हैं, ठीक है, अंडमान में भी मिलते हैं, लेकिन ओपन किया गया गल्फ ऑफ मन्नार तमिल, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांस इस पे क्वेश्चन, ठीक है। ये
मैं आपको पूरा डगंग के बारे में भी बता देती हूँ, बिकॉज ये करंट अफेयर है, हमने वहां भी पढ़ना है, तो मैं यहाँ भी लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक शुरू हुआ है। तो डगंग के बारे में लिख लीजिए, ये सी काउज होते हैं, ठीक है, पिक्चर जरूर देखना आप लोग इसकी एक बार। एंड ये इंडिया में कहाँ होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो अराउंड 30 कंट्रीज में, अराउंड 30 कंट्रीज में मिलते हैं, और इंडिया में कहाँ मिलते हैं, देखो भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कच्छ। मैं आपको मैप में दिखा दूंगी सारी लोकेशंस, अभी आप लिखिए इसको कि यहां पर ये आपको मिलते हैं, इंडिया में कहां मिलते हैं, ठीक है। नोटेड एवरीवन, ठीक है, तो ये आप एक याद रखिएगा डगंग्स के बारे में, बाकी आप इसके बाद साथ ही लिखेंगे अंडमान निकोबार को, जो हम कंप्लीट कर रहे थे। आप लोगों ने से पूछा था कि अंडमान निकोबार जो है इसकी लैंग्वेज वगैरह क्या है, सो वो भी आप लिख लीजिए। अंडमान निकोबार में यहाँ साइड में लिख रही हूँ, अंडमान निकोबार में इसके बारे में लिखो, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल वो है हिंदी और इंग्लिश, ऑफिशियल, बट वहां पे सबसे ज्यादा बोली कौन सी जाती है, वहां की स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, लिख लीजिए बंगाली, तमिल एंड तेलुगु। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया पूरा डेटा, जो भी डेटा आप पढ़ोगे दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये है इनका स्टेट एनिमल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इनका कोई हाई कोर्ट नहीं है, इनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यहाँ पे एलजी होते हैं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, ऐसे ही यहाँ पर भी एलजी होते हैं, विच इज प्राइमरीली कभी कभी वो कोई आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, उनको यहाँ चूज किया जाता है। देन नेक्स्ट लिखेंगे भाई, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कि ये मैं रब कर रही हूँ जो सामने स्क्रीन पे लिखा है, और अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, इट इज दी ओनली, ओनली समझ रहे हो ना, ओनली एक ही जगह है, ओनली प्लेस हैविंग ट्राई कमांड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इंडिया की डिफेंस फोर्सेस आपको पता है तीन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो हमारी ये तीनों है, इनकी जो कमांड्स बनी है, इनके जो हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं वो अलग अलग जगह पे बने हैं, लेकिन ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे तीनों का ही हेडक्वार्टर है, लाइक आर्मी का भी है, नेवी का है, एयरफोर्स का भी है, ओनली प्लेस है वो है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ लाई करती है भाई, जल्दी बताओ, अंडमान निकोबार में कहाँ लाई करता है पोर्ट ब्लेयर, मिडल साउथ मिडल कहाँ करता है, ये तुम लोग ईस्ट वेस्ट मत बताओ, सीधा आंसर बताओ, साउथ मिडिल लिटिल या लिटिल, वो यस साउथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अभी पढ़ के हटे, साउथ में करता है, बैरन आइलैंड करता है मिडिल में, अब तुम लोग भी अभी जस्ट लाइक कुछ देर पहले ही ये बताया और लिखवाया है प्रॉपर, और फिर भी कई स्टूडेंट्स के आंसर गलत आए हैं, आई डोंट नो व्हाई, इतना इजी क्वेश्चन पूछा फिर भी आप क्यों गलत आंसर बता रहे, लिखवाया हुआ है वो चीज को साथ, ऐसी मिस्टेक्स मत करो, ठीक है। हाउ साउथ यार, अब वहां पे है तो बताओ लोकेशन कैसे चेंज करें, बताओ
अब लोकेशन उसकी वहां पे है, तो हम लोग लोकेशन कैसे उसकी चेंज करते हैं? जब पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन साउथ में है तो लोकेशन तो चेंज नहीं कर सकते ना? ठीक है भाई मुश्ताक, सामने देख लो, साउथ में है। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं कि रिलीजन कौन सा है, सो यहाँ पे रिलीजन जो है वो आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो रिलीजन के पीपल हैं दैट इज हिंदू, हिंदू लोग ज्यादा हैं। सेकंड इज क्रिश्चियन, लिख लो भाई ये चीज। एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, जो डेनमार्क है, डेनमार्क जो है आप जानते होंगे, डेनमार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने जो अपनी, जिसे आप कह सकते हो फैक्ट्री लगाना, ठीक है, या ट्रेडिंग के लिए अपना सामान तैयार करना, वो जो सबसे पहली बार किया था, फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम कहाँ किया था? इसी अंडमान निकोबार में, निकोबार में, एक्चुअली निकोबार में यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली बार लगाई थी। तो एक ये वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में कि जो डेनमार्क के पीपल इंडिया में रूल करने के लिए आए थे, ठीक है, ये आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे किया था। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर पूरे अंडमान निकोबार में देर आर प्लेंटी एंड गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है, फॉरेस्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो फॉरेस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं। कितने? 9, समझ रहे हो, 9 नेशनल पार्क्स। ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखवा चुकी हूँ तालिब हुसैन, अभी तो लिखवाया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है। यहाँ पे आपको कितने नेशनल पार्क मिल रहे हैं? 9 नेशनल पार्क, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि जरूरत है यहाँ पर, गुड अमाउंट ऑफ यहाँ पर लोग रहते हैं तो यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी 9 नेशनल पार्क्स के नाम इफ यू वांट मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पे 9 है नेशनल पार्क्स। हेडिंग बना लो, नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसमें से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ पे कौन सा बना है, कई बार पूछ लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बट यस, आपसे ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है, कहाँ पे क्या बना हुआ है, क्या उसका नाम है, इस टाइप की चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे कोई बताएगा कि लाइक मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इंडिया में कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? यस मुजफ्फर, करेक्ट, एमपी। अभी बाकी किसी का आया नहीं आंसर, दैट इज एमपी, ठीक है, एमपी में आपको मैक्सिमम नेशनल पार्क्स है। बट अंडमान निकोबार में सेकंड हाईएस्ट आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। सारे आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द मेन नेशनल पार्क, उतना भी मोर देन इनफ है, ठीक है। लिख लीजिए कौन कौन से हैं, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, एमजी लिख रही हूँ मैं, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, सैडल पीक अभी पड़ी थी ना, उस नाम से भी नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, ये सब भी यहाँ पर नेशनल पार्क है।
ये सारे यहाँ पर अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क बने हुए हैं। इतना ही याद कर लीजिए, इनफ है, ठीक है, इतना भी कर लोगे तो ठीक है, उतना भी इसको आप लर्न कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस एवरीवन, आगे लिखेंगे नेशनल पार्क, आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। बाकी इसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो है इसको पूरे को जो डिक्लेयर किया है अंडमान निकोबार को एज यूटी, कौन सी डेट को इसको यूटी डिक्लेयर किया गया है, 1 नवंबर 1956, इम्पोर्टेंट है इसको लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 को इसको यूटी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट जो है, यहाँ का एयरपोर्ट वो पोर्ट प्लेयर में बना हुआ है और उसका जो नाम है वो क्या है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्यों वीर सावरकर है, क्योंकि ये वीर सावरकर वो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने वहां के सेलुलर जेल जो कि पोर्ट प्लेयर में बनी हुई है, ठीक है, पहले सुन लो इस चीज को, सेलुलर जेल में कालापा, ठीक है, बहुत बुरी सजा जो वहां पर मिलती थी, तो वो पोर्ट ब्लेयर जो है वो जेल कहाँ बनी हुई है, पोर्ट ब्लेयर में, और वहां पे किसको रखा गया था, वीर सावरकर जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजाद कराने में बहुत ज्यादा मदद की थी, तो उनको वहां जेल में रखा गया था इसे डेडिकेट करने के लिए, ये नाम वहां पर दे दिया गया, ठीक है। तो एक ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है, लिख लो इसको फटाफट से सब लोग। अंडमान निकोबार इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है हमारी, टेरिटरी है हमारी, टेरिटरी है और लोकेशन उसकी स्ट्रैटेजिक है, हमें अपना आइलैंड्स का पोर्शन मिला हुआ है, हमने जापानीज से इसको यहाँ पर एक्वायर करके करने में कामयाब हुए हैं, प्लस ये हमें एक एरिया ऐसा मिला हुआ है जो इंडियन ओशन के बीचों बीच है, बाकी उसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं, इंडोनेशिया श्रीलंका सबसे कनेक्ट कर पाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड रिसोर्सफुल है, इंडियन नेवी को मदद करता है नेवल बेसिस बनाने में, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, थ्री आइलैंड्स जो है अंडमान निकोबार के उनको रीनेम किया गया है, उनका नाम चेंज किया है, कौन से आइलैंड्स है, राइट डाउन फास्ट एवरीवन, रीनेम किए गए हैं, कौन से आइलैंड्स है, नील आइलैंड जिसका नाम रखा गया है, शहीद द्वीप, रॉस आइलैंड जिसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड तीसरा यहां पर है हैवलॉक जिसका नाम है स्वराज, लिख लीजिए। इन तीन आइलैंड्स का यहां पर रीनेमिंग की गई,
ठीक है भाई, नाम नोट कर लिया आप लोगों ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए. इन विच पार्ट दे आर लोकेटेड, इनके मैं आपको मैप में अगर दिख जाता है तो मैं आपको एक बार मैप में ये शो कर देती हूँ कि एक्चुअली में ये लोकेटेड है कहाँ पर. यहाँ तक लिख देना, मैं हटा रही हूँ. अब इसको आप दे आर नॉट शोन इन द मैप, एक्चुअली में यहाँ पर ये मैप में नहीं दिख रहे हैं, बट यू कैन नोट डाउन ये जो आइलैंड्स हैं ये आपके एक्चुअली में मिडल अंडमान की साइड में लोकेटेड है बस, लेकिन इसे मैप में नहीं दिख रहे. ठीक है, जब मोदी जी यहाँ पे गए थे ही हैज चेंज द नेम, ट्रिब्यूट देने के लिए टू द सुभाष चंद्र बोस द नेम हैज बीन चेंज्ड. तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अंडमान निकोबार, जो आपका वेदर और वो सब पूछ रहे थे आप लोग. यहाँ पर जो वेदर वगैरह है दैट इज इक्वेटोरियल, राइट डाउन द वेदर हियर इज इक्वेटोरियल. नेम वॉज चेंज इन 2018, नेम चेंज इन 2018. ये यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है. एंड यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कैसे मिलेंगे, नाम आपको नेशनल पार्क के तुरंत लिखकर, फॉरेस्ट मिलेंगे कैसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक है, मोदी जी सिर्फ नाम चेंज करते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, मोदी जी योगी जी नाम चेंज के अलावा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है. बाकी प्राइम मिनिस्टर है तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे. ठीक है भाई, यहां तक नोट कर लीजिएगा. बाकी एक्चुअली में यहाँ पर जो पीपल हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, कोकोनट के ऊपर. यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में कोकोनट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. मैम आप बीजेपी को वोट देते हो क्या, यार क्या ही फर्क पड़ता है, बीजेपी को दो कांग्रेस को दो. वैसे मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो अभी तो मैंने तो दिल्ली में जो दिल्ली के इलेक्शन हुए थे उसमें तो आप पार्टी को वोट किया था एंड ही बिकेम द सीएम, तो मैंने तब तो उनको वोट किया था. बाकी ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर ये सब चीजों को वोट करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है द वर्क दे आर डूइंग, नथिंग एल्स. ये सब चीजें बिल्कुल पर्सनल होती हैं एंड एक जगह पे नहीं है. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ आप, द पर्सन हु इज डूइंग वर्क फॉर इंडिया दैट्स इट, वही है फाइनल, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है भाई, चलो आगे लिखेंगे. कोकोनट इनका स्टेपल फूड है. अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पर जो रबर है या फिर पाम है, पाम ऑयल, ठीक है, कैश्यू, ये सब, या फिर क्लोव, क्लोव समझते हो, लौंग, लौंग इज लाइक वो जो एक स्पाइस होती है. ठीक है, तो स्पाइसेस ये सब भी यहाँ पर गुड अमाउंट में ग्रो की जाती है. ये सारी चीजें यहाँ पर गुड अमाउंट में ग्रो की जाती है, लिख लीजिए. आप में से आई थिंक किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. सेकंड हाईएस्ट पीक आपने फर्स्ट लिखी थी, फर्स्ट हाईएस्ट पीक आपने लिखी थी सैडल पीक, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो. ये इस बार यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, माउंट थुलियर, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, लिख लो माउंट होलियर. पहले पांच डिविजन्स आपने एक्सप्लेन नहीं किया इस तरह, कौन सी फाइव डिविजन्स. लिखो आप लोग, सेकंड है यहां पर माउंट होलियर. ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम्स में. 737 मीटर्स हाइट लिखवाई थी उसकी, और माउंट होलियर की हाइट कितनी, वैसे हाइट नहीं पूछेगा बट जस्ट आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कितनी है मार्स की हाइट. हाइट लिख लीजिए 642 मीटर्स. कहां पे लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार. ठीक है,
डन, यहाँ तक नोट कर लिया, ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ तक पूरा हो गया होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ेंगे यहाँ पर, सैडल की हाइट। सोबिया सैडल की हाइट मैंने लिखवाई थी 737 मीटर्स, पहले लिखवाई हुई है मैंने 737 मीटर, सेकंड है ये वाली। इस बार यूपीएससी ने एसीडीएस एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा था, दैट वेयर इज माउंट होलियर लोकेटेड, एंड ऑप्शन में ग्रेट निकोबार था, ठीक है। नेम ऑफ द सी रूट यूज टू गो देयर पे ऑफ बंगाल, सी और कौन सा यूज करेंगे, हम लोगों को जाना है ना, अगर हमें पूछ रहे हो इंडियंस के लिए, तो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके भी कैन गो दे, ये रहा ना सीधा, ये रहा इधर पौंडीचेरी चेन्नई, ऊपर बंगाल, यहाँ पे जाले जाओगे। चलिए आगे लिखेंगे इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर बना के लिखो, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नाम लिखवाया था, माउंट हैरियट, याद है ना, नेशनल पार्क, माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और ये एक पीक भी है, ठीक है, एक आईलैंड भी है। सो क्या क्वेश्चन आया था कि माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है, अंजलि देवी आपने दोनों ही सही सेम ही लिखा है, 732 732, मेडल मैम सैडल की हाइट 732 है या 732, सेवन थर्टी सेवन, अच्छा मैंने 732 बोल दिया, 737, दैट डजेंट मैटर, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पर, 25 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना, ठीक है, nobody is going to ask the heights। आगे लिखो, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, माउंट मणिपुर, द नेम ऑफ माउंट हैरियट हैज बीन चेंज टू माउंट मणिपुर, अगेन नेम चेंजिंग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमित शाह जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी बिकॉज एक ये बताने के लिए कि मणिपुर जो हमारी स्टेट है, ठीक है, मणिपुर सब लोग जानते हैं, मणिपुर स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एंग्लो मणिपुर वॉर, एंग्लो मणिपुर वॉर जो हुई थी ब्रिटिशर्स और मणिपुर के पीपल के बीच में, उसमें जो है ये जो मणिपुर के लोग थे उनको काला पानी जो वहां पर है अंडमान के माउंट हैरियट में बंद करके रखा गया था उन लोगों को, जिनमें जिनकी डेथ हो गई थी इवेंचुअली, तो इसलिए यहाँ पर नाम चेंज किया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसमें, ये पूरा यहाँ तक, ये था हमारा आज का पूरा अंडमान निकोबार, पूरा ही मैंने कवर करवा दिया है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करवा दिया है, ठीक है। डेट आपको याद नहीं रखनी है तामी, डेट आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला, ये 2021 में हुआ है, डेट नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ठीक है, 2021 में हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन एल्स, टाइम जोन हमारा वाला ही चलता है वहां पर, टाइम जोन अपने इंडिया का जो है, अपने इंडिया का एक ही टाइम जोन है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, ठीक है, ये फिर से बोलो। ओके, लिख लीजिए, व्हेन एंग्लो मणिपुर वॉर हैपेंड इन 1891, उस टाइम पर जो मणिपुर के पीपल थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जब उन्होंने फाइट किया था, और इवेंचुअली उनकी डेथ भी हो गई थी उस फाइट में, जिनको माउंट हैरियट की जेल में बंद करके रखा गया, तो उसके ऊपर ये चीज है। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर ये सारी चीजें अपनी। हाँ, मैंने नेम चेंज पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इट इज अ वॉल्केनिक आइलैंड, नॉट अ कोरल, कोरल रीफ्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, कोरल रीफ्स भी मिलती हैं यहाँ पर, यू विल ऑल्सो फाइंड कोरल रीफ्स, एंड majorly it is a volcanic island।
ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने सबने कंप्लीट कर लिया होगा। हिमालयाज, ग्रेट प्लेन्स, प्लाट्यू, अरे यार ये सब अभी थोड़ी ना हम लोग कंप्लीट करेंगे, अभी तो आइलैंड हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिर्फ। हिमालयाज, ग्रेट प्लेन्स तो एक एक करके उस टॉपिक पे आएंगे ना, अभी कहाँ से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, वो टॉपिक ही अभी नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था मैं एंड पे करूंगी, एंड का मतलब अभी थोड़ी ना करेंगे, अभी तो एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे। आज अंडमान किया है, कल लक्षद्वीप पूरा करेंगे, फिर कोस्टल प्लेन्स पे आएंगे, फिर प्लाट्यूज पे आएंगे, फिर हिमालय, फिर प्लेन्स पे। आज एक ही घंटे में पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते ना। आज तुम लोगों को हो क्या गया, कैसे कैसे डाउट्स पूछ रहे हो आज तुम लोग। पेशेंस तो रखो थोड़ा सा, मतलब अजीब अजीब सी चीजें पूछ रहे हो आज तो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा टॉपिक तो होने दो कंप्लीट, आज के दिन ही सब कुछ जानना है। आज पूरा 2 दिन क्लास नहीं हुई ना, तो आज तुम लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आए हो बहुत ज्यादा, कि आज तो बहुत ज्यादा ही करना है आज। हाँ सच में गर्मी ज्यादा है लगता है कश्मीर में आज। हाँ नारकोंडम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, नारकोंडम ये लोकेटेड है यहाँ पर, ये रहा नारकोंडम आइलैंड, इफ एनीवन वांट्स टू स्टडी आप याद रख सकते हैं। नारकोंडम आइलैंड की यहाँ पर ये है, नारकोंडम आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आप लोकेशन देख सकते हो, नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, नहीं इतनी गर्मी तो नहीं होगी, आई डोंट फील कि कश्मीर में इतनी गर्मी है, 45 डिग्री तो दिल्ली में है टेम्परेचर, पर इतना ज्यादा वहां पे नहीं होगा। लिख लीजिए भाई यहाँ तक कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो यहाँ तक अपना पूछ लो। हाँ 15 डिग्री होगा दिल्ली में, तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, 45 पहुंच गए, घर से बाहर भी नहीं निकलना हो पाता। यस आमिर, ये एक्सटिंक्ट है ये नारकोंडम जो आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे। ठीक है भाई यहाँ तक कंप्लीट कर लो अपनी क्लास। योर नेक्स्ट टॉपिक फॉर होमवर्क, ओके आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर लक्षद्वीप। ठीक है, अभी हमने अंडमान कंप्लीट किया, आज नेक्स्ट टॉपिक लक्षद्वीप करेंगे, ऐसे करते करते पूरा इंडिया कवर करेंगे, इंडिया के फिजिकल फीचर्स। ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया वो पूरा इंडिया के फिजिकल फीचर्स हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। और कुछ पूछना है किसी को, बट प्लीज लॉजिकल क्वेश्चन पूछना। चलिए ओवर करते हैं फिर क्लास को, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नारकोंडम आइलैंड लोकेशन, तामीन ये लिखा ना नारकोंडम आइलैंड नॉर्थ अंडमान में, ये लिखी आइलैंड और इसकी लोकेशन नॉर्थ अंडमान में। चलिए ओवर करते हैं यहाँ पर। नहीं मैम लिटिल अंडमान में इसकी लोकेशन, मुदासिर मैप देख लो ना यार, मैप में साफ लिखा ये रहा नारकोंडम आइलैंड, ये रहा नॉर्थ अंडमान, तो मिडिल में कैसे जाएगा, ऊपर है तो नॉर्थ में रहेगा ना। ये सिलेबस देखो, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा टाइम पर, ऐसी बात नहीं है, पर तुम लोग ऐसे सवाल यहाँ पे जो है ऐसे मत करो, सवाल तुम लोग इस तरीके से करते हो ना कि नहीं ये तो वहां ऐसा लिखा है, वहां ये लिखा है, जबकि सामने यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने लिखा हुआ हर चीज यहाँ पर, कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, वहां पे क्या लोकेटेड है, तो फिर भी तुम अजीब अजीब सवाल करते हो ना, तो फिर टाइम वेस्ट होता है उसके ऊपर। जब सामने लिखा है नारकोंडम का है नॉर्थ अंडमान में, सामने लिखी है वो चीज है ना, तो जब इस तरीके से पूछोगे नहीं मैम वहां पे नहीं है, तो फिर मुझे वो डाउट पहले बताना पड़ता है कि देखो भाई मैप में वही है, तो इट इट टेक्स अ मच मोर टाइम जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके की चीजें ना ही पूछो, जिसका जो रह गया है वो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसका जो पॉइंट रह गया है वो रिकॉर्डिंग में आप कंप्लीट कर देना। ठीक है, जिसका जो रह गया है वो दोबारा से जो है मैं बताऊं उससे बढ़िया
आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जिसने भी लेट जो किया ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स अपना सब जो है टॉपिक कंप्लीट करके। ओके, इंडियन सॉवरेनिटी हमारी पूरी है यहाँ पर, बाकी जो ये इंडियन सॉवरेनिटी का टॉपिक की कितना कितना रहता है ये हम लोग कवर अप करेंगे जब हमने यूएन के क्लॉज में हम लोग ये पढ़ेंगे लॉस के बारे में, तब मैं वहां आपको 200 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स उन सब में डिफरेंस बताऊ, वो भी करेंगे, डोंट वरी वो भी करेंगे। चलिए ओवर करते हैं क्लास, बाय एवरीवन।